विनेगर, बेकिंग सोडा, नींबू अगर अभी यूज कर रहे हैं आप लोग आपका स्किन पे, अभी बंद करिए, स्किन बर्बाद हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि अभी भी थोड़ा थोड़ा हशहश है, तो हम लोग उसके बारे में उतना बात नहीं करते। बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स इस बारे में खुल के बात किया है एंड आई लव देम। बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएटर्स है जो इस चीज को अच्छा से पोर्ट्रे किया है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू गाइज अबाउट अंडर आर्म हाइजीन। अभी भी स्लीवलेस पहनने के बाद पाड़ा का जो आंटी लोग होता है मुंह बनाती है कि स्लीवलेस पहन ली है कैसी लग रही है। Nothing to be ashamed of. This is a part of our body, and yeah, we should embrace it. And हम लोग sleeveless पहनेंगे कि नहीं, या फिर साड़ी पहनेंगे कि नहीं, या कुर्ती पहनेंगे कि नहीं, वो हम लोगों का personal choice है, because we have the right to decide. So yeah, let's get started today. So हाँ, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ about underarm hygiene, and which is very important because हम लोग जब sleeveless पहनते हैं, हम लोग थोड़ा body conscious हो जाते हैं कि हाँ कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, underarm darken हो जाता है कभी कभी, like वो ऑर्डर होता है, तो उसी चीज के बारे में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लीवलेस आज से कोई चिंता का बात नहीं है, कैसे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे फेस टोनर। फेस और अंडरआर्म्स में मेरा कोई डिफरेंस मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। सो या मैं यहाँ पे फेस टोनर यूज़ कर रही हूँ, प्लम का जो ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर है। वो अल्कोहल फ्री टोनर क्या करता है, आपका अंडरआर्म्स को जो टोनिंग होता है वो बहुत अच्छा से कर देगा। सो सेकेंड ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बॉडी स्क्रब दिखा रही हूँ, बट हाँ बॉडी स्क्रब कभी यूज़ मत करिए। बॉडी स्क्रब हम लोगों का बॉडीज़ के लिए होता है, लाइक बॉडी स्किन के लिए होता है, बट नॉट फॉर अंडरआर्म। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेस स्क्रब, जो मिल्की ब्रू कॉफ़ी फेस स्क्रब है एम कैफिन का, वो वाला, क्योंकि ये फेस के लिए बहुत सूटेबल होता है। सिमिलरली ये अंडरआर्म्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, बिकॉज ये इसका मिल्क बेस्ड फॉर्मूला है और ये अंडरआर्म के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील देगा। सो या मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी स्क्रब ले ली हूँ और इसको अच्छा से मैं यहाँ पे अंडरआर्म में स्क्रब कर लूँगी। सो जेंटली सर्कुलर मोशन पे इसको अच्छा से अंडरआर्म में स्क्रब कर लीजिए, बिकॉज अंडरआर्म्स आल्सो नीड एक्सफोलिएशन बिफोर शेविंग। सो जैसे कि हम लोग बॉडी स्किन एक्सफोलिएट करते हैं शेविंग करने से पहले, वैसे ही सिमिलरली अंडरआर्म को हम लोग इसमें एक्सफोलिएट कर लेंगे। उसके बाद मैं कॉटन पैड को अच्छा से वाटर में भिंगो के, पानी में भिंगो के इसको अच्छे से रब ऑफ कर लूँगी। ज़्यादा हार्श होने का ज़रूरत नहीं है, एक्सफोलिएशन ऑलरेडी लाइक कॉफ़ी बेस्ड, कॉफ़ी एंड मिल्क बेस्ड है तो वो अच्छे से कर ही लेगा। सो ये हो गया हम लोगों का एक्सफोलिएशन कंप्लीट। इसके बाद मैं मेन यहाँ पे जो है शेविंग करूँगी। मैं एक्चुअली रेजर से ही शेव करती हूँ, मैं वैक्सिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ। व्हेन एवर आई एम वेयरिंग एनी काइंड ऑफ स्मॉल ड्रेस या शॉर्ट ड्रेस, मैं लेग्स पे या काफ में तब मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ, बट हाँ अंडरआर्म या फिर हैंड्स पे या लेग में मैं हमेशा लाइक रेजर से ही यूज़ करती हूँ। ये मेरे लिए कंफर्टेबल होता है एंड बहुत ज़्यादा सूटेबल भी होता है मेरे लिए। सो या दिस इज़ जिलेट वीनस रेजर, दिस इज़ फॉर ₹79 एंड ये नायका में आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारा नायका में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। सो हो गया यहाँ पे मेरा शेविंग। और DIY में फेस मास्क जैसे हम लोग करते हैं मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर से, वैसे मैं यहाँ पे भी मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर से ही DIY मास्किंग कर लूँगी अंडरआर्म्स के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उसको लाइक पेस्ट, एक थिक पेस्ट बनाने के लिए जितना रोज़ वाटर का ज़रूरत पड़ता है वो। यहाँ पे रोज़ वाटर मैंने लिया है डाबर गुलाबरी का जो रोज़ वाटर है वो, और इसको अच्छा से मैं मिक्स कर लूँगी, बिकॉज एक थिक पेस्ट मुझे चाहिए आउट ऑफ इट। सो या इसको बनाने के बाद आप लोग हनी भी यूज़ कर सकते हो, हनी इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, नेचुरल मॉइस्चराइज़र। लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे हनी नहीं यूज़ किया है आज, थोड़ा सा और गुलाब जल दे के, रोज़ वाटर दे के मैं इसको अच्छा से एक थिक पेस्ट बना लूँगी, ताकि वो ड्रिप ना करे और लाइक थोड़ा सा ड्राई ऑफ जल्दी हो जाए। तो ज़्यादा अगर पतला पेस्ट बन जाएगा तो ड्राई होने में बहुत टाइम लग जाएगा। कोई कोई यहाँ पे मिल्क भी यूज़ करते हैं, एलोवेरा जेल भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ टोटली योर ऑप्शंस। अगर आप लोग चाहते हो उसमें इजीली मिक्स कर सकते हो। DIY मास्किंग इज़ होममेड, सो इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, कोई लाइक ऊपर से कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है। सो ये आप लोग अपने का हिसाब से बेसन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है DIY मास्किंग फॉर माई अंडरआर्म्स। दिस विल एक्चुअली लाइटन द टोन। इसको आप लोग 5 मिनट हार्डली रख सकते हो, उसके बाद वाइप ऑफ कर सकते हो इसको
और जितना जल्दी ये ड्राई कर जाएगा उतना जल्दी आप लोग इसको वाइप ऑफ कर सकते हो। सिमिलरली मैंने एक कॉटन पैड से ही इसको अच्छा से वाइप ऑफ कर लिया है एंड आप लोग देख सकोगे कि कितना एक विजिबल डिफरेंस हो जाएगा आफ्टर शेविंग एंड मास्किंग। उसके बाद हम लोग का स्किन जैसे एक मॉइस्चराइजेशन मांगता है फॉर हाइड्रेशन, सिमिलरली इसमें भी हम लोग करेंगे। बायो आयुर्वेदा का जो फेस क्रीम है उससे ही मैं करूँगी, बिकॉज एज मैंने पहले बोला कि फेस में मैं जैसे टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करती हूँ, सिमिलरली मैं अंडरआर्म्स के लिए भी वही करती हूँ। मेरा कोई अलग रूटीन नहीं, लाइक प्रोडक्ट्स नहीं है जो मैं अंडरआर्म के लिए अलग से यूज़ करती हूँ, सेम चीज़ मैं वहीं पे लाइक वही यूज़ कर लेती हूँ एंड इट वर्क्स फॉर मी वेरी वेल एंड आई होप आप लोगों के लिए भी वर्क करे, क्योंकि हमेशा हम लोगों का इसके लिए अलग प्रोडक्ट्स खरीदना पॉसिबल नहीं होता है, याद भी नहीं रहता है। सो या घर का सामान से, घर का चीज़ों से कैसे आप लोग आपका अंडरआर्म्स का ख्याल रख सकते हो, ये मैंने आज आप लोगों को दिखा दिया है। सो या द लास्ट स्टेप इज़ रेक्सोनास बॉडी डिओड्रेंट, बिकॉज अगर आप लोग स्लीवलेस पहन रहे हो कहीं बाहर जा रहे हो, ऑब्वियसली डिओड्रेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी मिस्ट और बॉडी डिओड्रेंट। सो या दिस रोल ऑन इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, लाइक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका एंड आई लाइक दिस वेरी मच। सो या दिस वॉज द लास्ट स्टेप। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड जैसे कि मैंने बोला वीडियो का शुरुआत पे ही, विनेगर, लेमन एंड बेकिंग सोडा जैसे जब जो मैं लाइक प्रोडक्ट्स है, लाइक जो इंग्रेडिएंट्स, आई विल नॉट से दैट प्रोडक्ट्स, आई विल से दैट इट इज एन इंग्रेडिएंट जो कि बहुत 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 हार्मफुल हो सकता है आप लोगों का स्किन के लिए। फेस पे तो बिल्कुल मत यूज करिए एंड अंडरआर्म्स में भी, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। एज वी ऑल नो पीएच लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है जैसे कि बेकिंग सोडा में या फिर लेमन में, वो और आप लोगों का अंडरआर्म्स को ब्लैक कर देगा, डार्कन कर देगा, वो कभी भी वापस वाइट नहीं हो पाएगा, वाइटनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो या मैं हमेशा बोलती हूँ कॉफी तक ठीक है, बिकॉज या इट्स अ काइंड ऑफ एक्सफोलिएटर, सो ठीक है, बट कभी भी लेमन विनेगर या फिर जो बेकिंग सोडा होता है वो जो चीप, कभी कभी लोग दिखा देता है चीप घर पे, ₹5 में ये लगा लो वो लगा लो, कभी मत करिएगा। इस ₹5 के चक्कर में आप लोग का मतलब स्किन बर्बाद हो जाएगा। सो मैं हाँ ये भी यही बोलूंगी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट टू। सो हाँ, अगर आप लोग ये सारा चीज यूज करोगे, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही सटल है और स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, आप लोग को इजिली सब चीज अवेलेबल हो जाएगा। मैंने तो ऐसे भी चीज दिखाया जो कि डुअल काम करता है, जैसे कि फेस स्क्रब, फेस स्क्रब सबके पास होता है, तो आप लोग उसको लाइक अंडरआर्म्स में भी वही यूज करो, क्योंकि मैं बोलती हूँ बॉडी स्क्रबर जो होता है वो स्क्रीन मतलब लाइक स्किन के लिए बहुत ज्यादा लाइक यूजफुल होता है, बट हाँ वो हम लोग का जो अंडरआर्म है वो हम लोग का स्किन की तरह सॉफ्ट होता है, लाइक फेस स्किन की तरह। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा फेस स्क्रब ही अंडरआर्म्स में यूज किया करो, दैट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट मोर। सो या आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड अगर इतना दूर देख ली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड आई लव यू गाइस एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।